बेसन की ज़्यादा बिना पड़े ये खा के ना उसके बाद तो सिस्टम का कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जान भी रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं अपने घरों में। और जो मेरे देश से परदेश से बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको शादुबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुमामी। तो वीडियो का आगाज जी कर रहे हैं, सारा जो है ना मुर्गे ने उधर भी दाना फिराया हुआ है, उधर भी फिराया हुआ है, और यहाँ पे सारी धूप होती है तो वो उधर बेसन के नीचे आके खड़ी हो जाती है। तो मैं भी अब उनको कुछ नहीं कहती, जाहिर सी बात है हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है तो इन चौदों को भी लगती होगी। तो इधर शायद इनको हीट आती है धूप की, तो शायद इसकी वजह से ना ये यहाँ पे ना नहीं खड़ी हो पाती। तो ये जैसे ही असर की अजान होती है, 4:30 बजे का टाइम होता है, तो फिर ये जो है ना इधर आ जाती है और फौरन मुझे कहती है भाई कोई ठंडी चीज़ है, इनकी ठंडा पानी हो, ठंडे सलाद हो, पत्ते हो, किसी भी चीज़ के, तो इनको बहुत पसंद है ना, फिर ये वो खाने लग जाती है। और मैं फिर अपनी व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और सफाई भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना अब सुबह चीज़ें वगैरह तो बंदा समेट लेता है, बर्तन चर्तन धो लेता है, लेकिन हल्की फुल्की जो सफाई होती है वो मैं शाम में करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं उठाऊंगी वहाँ से दाना, क्योंकि दाना जो है ना वो फिर जाएगा नाली में, सारा जाया होगा, यही बेहतर है कि यहीं से उठा के इसको वापस उधर उसमें डाल। माशाल्लाह से बिचड़ियाँ भी आ जाती हैं, फिर वो भी चुपती हैं, चलो मैं दाना यहीं पे रख दूँ, वो लोग भी खाने लेंगे। और आज हमने जी हमारा जो मनी प्लांट है ये हमने कहाँ रखा हुआ था, ये हमने उधर हमारी जो गली है वहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सैन में ना एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुर्गियाँ जो थी वो भी नीचे नहीं छोड़ती थी, इसलिए हमने इसको एक तरफ रखा हुआ था छाँव में। और अब हम माशाल्लाह से इसकी जो ग्रोथ है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको हम लोग बड़े जो बड़ा गमला होता है ना उसमें एडजस्ट कर लें, ताकि ये खुली मिट्टी होगी, खुला ज़रा वो होगा ना तो इसकी ग्रोथ बड़ी ज़्यादा होगी। आज मैंने ये वाला काम करना है। तो यहाँ पे जी मैं बाल्टी ले हूँ जिससे मैंने अपनी ना गारा बनाया था, और मैं यही सोच रही हूँ कि वो जो है ना छोटा है गमला, तो ये फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा, इसको सारा हम बना के ना फिर हम वापस वहीं गली में रख देंगे। और फिर इसमें डालेंगे मिट्टी, कलर भी रखा हुआ मेरा, कलर भी लिया हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा कलर भी रखा हुआ था और हम अब वैसे भी आके इंशाल्लाह जब सर्दी आएंगी ना, मेरा पूर्ण इरादा है मैं जो है ना पौधे लगाऊंगी उधर गया, क्योंकि ये जो हमारी मुर्गियाँ ना ये नहीं छोड़ती ना इधर, उधर छुआ भी आती है, धूप भी आती है, हवा भी आती है, तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो। चलो भैया माशाल्लाह से बाल्टी हमारी फुल हो गई और बिहार जल गई है, मेरे को क्या लगा क्या बताते हैं। अब हम इसके ना सारे मिक्स करके ना मैं कहती हूँ ज़्यादा इसको निकाल लेते हैं थोड़ी, क्योंकि गमले की भी पट्टी है और ये कलर भी डलेगा है ना जी। यहाँ से माशाल्लाह गमले से ना ये मैंने निकाल लिया, बड़े आराम से माशाल्लाह निकल आया, लेकिन जड़ें इसकी इतनी बड़ी हो गई थी और इसमें मिट्टी भी काफ़ी खाली थी, मिट्टी भी बहुत कम थी। काफ़ी दिनों से मैं ये काम सोच रही थी और अब इसको मैं ना कर पाऊंगी। वैसे तो बारिश के पानी से भी नहाता रह गया लेकिन ना, और ये जो है सारा मैंने मट्टी डाल के ना सारा कर दिया, अब अल्लाह करेगा इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और मुर्गों को मैंने उधर लगा दिया पास ही, क्योंकि मुर्गे ने ना मुझे ये काम नहीं कर देना था, कल वो पहले भी उधर गैलरी में गई, वो चीज उठाने कुर्सी पे चढ़ने छोटी पत्ते खा, इसलिए इसको पहुंच रुकी। तो अब इसको सेट करते हैं हम लोग गैलरी में, बोला इधर इसको खींच के लेके जाए, क्योंकि हमसे तो उठा जा रहा भाई, अगर आप ही उठाना नहीं है आज खींच ले, फिर हम अपना काम करेंगे। मैं सोच रही हूँ कोई सौदा कोई और पौधा ले आऊँ, सौदा कह रही थी फूलों वाला, तो वो लगा दूँ ना, यही बात सोच रही हूँ कि ये कमरा चलो काम भी आ जाएगा ना मेरे छोटे से, हटाते अजान चलो और लकड़ी बिना आप वो लगवाओ मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से। अभी हम मम्मी के साथ काम करवा रहे हैं, काम थोड़ा सारे काम करवा रहे हैं। देख ले, मैं काम करवा दूँ अभी। आज मेरे बोले चला गया, आज फ्री हुआ भाई, आज मेरे साथ काम करवा ले। बेटी की लकड़ी चिपकी ढूंढती हूँ वहाँ से। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर कि मैंने गमला भी रख लिया और ये लकड़ी के फट्टे हैं ना, ये मैंने ऐसे हरा दिए। जो ये बेले हैं रस्सी के गाने तोड़ भी दिए, रस्सी से बांध देना, फिर हम उनको ऐसे बिठा देंगे ताकि ये खुद बहुत ग्रोथ करती है। क्योंकि ये देखें अजान ने तोड़ दिए खींच के, और मैं सोचती वापस यहाँ पे डाल कुछ नहीं। फिर जाने से कब का है? अब ये प्लान रखी करें हम डालने के लिए। कैंची लेकर आते हैं, चल ये देना लेकर। काटना? अल्लाह, मैंने बोले नहीं काटना था। ये बांध दो। ये बता अब तू बांध दे। तो बांध दे देते ना। चलो बैठ जान दे, बैठ दे। तो टाइट ही करो। टाइट। जी हमारा ये गमला ना माशाल्लाह इधर कोने में सेट हो गया, क्योंकि इसकी चार पांच शाख नहीं थी जो मैंने लकड़ी के साथ ना भी बांध दिया इसको, ताकि ये सही तरह बढ़ सके, ग्रोथ हो सके। इसको पानी शानी भी दे दिया, अभी यहाँ खड़े रहेगा। और भी हमारे जो पौधे हैं ये भी अभी मैंने इनको यहाँ रखा हुआ है छाँव में, धूप छाँव में हवा भी लगती रहती है, धूप भी छाँव भी, इनको मैंने यहाँ रख दिया, इधर ही ना सेफ है। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। यहाँ पे बना बैंगन निकालते हैं और मिस्टर से भी हमारे खड़े हैं। मिस्टर चोनिया कहाँ पीने पानी पीने, प्यास लग रही है, गमड़ी लग रही है। उधर मैंने आग भी जला ली थी, आग मेरी जगह तेज हो जाए थोड़ी सी। बैंगन को ना जला रखे, जलने रख दो। गर्मी है ना, ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है और इसकी जो तासीर होती है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो मैंने सोचा चलो मैं बैंगन का भरता बना लूँ, थोड़ा बच्चे आज वही खा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बैंगन जो है ना वो ऐसे ऐसे जल रहे हैं और आग भी बड़े मज़े से जल रही है, क्योंकि ये जो भट्टी है ना आग जलाने में बड़ी ज़बरदस्त है भाई। इसलिए थोड़ी थोड़ी मैंने वो लकड़ी रखी है और थोड़ी सी मैंने ये रखी है, ये बड़ी मज़ेदार आग जलती है। मजेदार तो नहीं, ज्यादा तेज। कलो कब आज कौन आना चाहे? आज तो मैं अभी बना रही हूँ, अभी नहीं बनाया। कलो जी मुड़ मुड़ के देख रही है जी मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि बैंगन उसको हरियाली जो है ना ये हरियाली ये नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे आग लग रही है इसलिए शुद्धि का बस नहीं चलता आगे आने को। ऐसे है ना, ऐसे है? देख अंदर पड़ा होगा। दोबारा बनाएंगे तो बस जी वीडियो का करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है हमारी भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आज के ब्लॉग जो आपको कैसा लगा ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो फुल वॉच करिए, सब्सक्राइब करती रहिए नए बहन भाई चैनल को।
और लाइक करते रहें। और बस अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।